एग्जाम के टाइम दूसरे बच्चों के कमरों में ब्लू किताबें फेंक रहा है नीचे से, एग्जामिनेशन में यही लिखोगे अप एंड डाउन। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है, डीन से, और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है, डीन की बिटिया है। ये बहुत बड़ी कला है दुनिया में, ये कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है। मजे मत लेना, बहुत सारे लोगों ने शादी मजे के लिए की, नर्क बन गई जिंदगी। जिस पढ़ाई से तुम्हें जीवन में कोई फायदा ना मिले, तुम क्या कहते? तुमने मूवी देखी थ्री इडियट्स? सोचो डीन को अपने स्टूडेंट से नफरत हो जाती है उसकी काबिलियत देख के। उसका डीन उसका हाथ पकड़ के उसको क्लास में ले जा रहा है, और डीन का नाम क्या है? वीरू सहस्त्रबुद्धि, जिसके पास हजारों सहस्त्र लाखों बुद्धियां हो, वो कितनी बेवकूफी की हरकत कर रहा है, अपने स्टूडेंट से नफरत करता है। और नफरत किस बात पे? उसके टैलेंट को देख। तुमने मूवी देखी थी? उसने भाई, तो तुमने ध्यान से नहीं देखा ना, तुम किताब भी ध्यान से नहीं पढ़ते और मूवी भी ध्यान से नहीं देखते। तो वो बोर्ड पर लिखता है, दो नाम लिखता है, देखो सिर्फ मजे मत लेना, बहुत सारे लोगों ने शादी मजे के लिए की, नर्क बन गई जिंदगी। बेटा संभल के मजे लेना, मेरा दायित्व था तुम्हें बचा बताना। पता लगा घोड़े बैठ गया, घोड़ा लेके भाग गया तुमको। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मजा तो लो ही, मैसेज भी लो कि वो जो कलम है वायरस की वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा हो, क्योंकि काबिलियत वायरस भी है और जैसा वायरस है वैसे उसका चेला भी है, चतुर्लिंगम। वो दुबे उसको कहता है कि सर मैं आपको इसकी मीनिंग बता दे, कहता दुबे जी मतलब नहीं चाहिए। एक मूवी आई थी थ्री इडियट, उसका जो सुपरस्टार है वो है रैंचो। रैंचो की पहली क्वालिटी बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी पिक्चर देखी, पहली क्वालिटी पर खड़े हो जाओ और कोई एग्जांपल दो इस बात का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का एक एग्जांपल दो। जैसे इन्होंने कहा कि रैंचो का सबसे पहले क्वालिटी था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तीन आदमी एक शादी के समारोह में एंटर करते हैं, ठीक, किसी दूसरे की शादी, उनको पता ही नहीं किसकी शादी है। वहां पर उनको एक लड़की मिलती है, उस लड़की का फियांसी मतलब मंगेतर आके उस लड़की से कहता है किससे शादी मत करना, अननोन आदमी किसी अपरिचित की शादी में घुस गया है और वहां एक अननोन लड़की से कह रहा है कि तुम अपने मंगेतर से शादी मत करना। वो कहती है एक्सक्यूज मी, कहता सुनो ये प्राइस टैग है, जिंदगी भर तुमको प्राइस बताता रहेगा। कहता डेमो दू, पहली क्वालिटी उस आदमी की है ऑब्जर्वेशन। तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया है, देखना छोड़ दिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिया है। देखो तुरंत चटनी उठाता है, ले आके उसके जूते पे डाल देता है, कहता $300। कहता देख, जब तुम किसी बात को कहकर प्रूव कर ले जाते हो तुम्हारी एक्सेप्टेंस होती है। तो पहली चीज जो रैंचो की तुम्हें सीखने वाली है वो है उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, तुमने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तीन आदमी एक अपरिचित की शादी में घुसते हैं, पकड़े जाते हैं। वो कहती है ना आप मेरे पापा को प्लीज समझा दीजिए। तीनों टर्न हो, पूछते हैं कहाँ है तेरे पापा, कहते पीछे खड़ा है। आप टर्न होता है, देखता कि यार डीन कहाँ है मेरा, कहते गुड इवनिंग सर। अब गौर करना उस सीन पे, तुमने गौर नहीं किया। कहता किसकी तरफ से आया उस शादी में, एक आम आदमी हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाएगा ना। कहते सर हम साइंस की तरफ से आए। एक आम आदमी माफी मांगने लगेगा कि गलती हो गई अंकल जी, और ये अरे कुछ नहीं, सीधा जवाब। लड़की कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं और हम लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं,
हम साइंस की तरफ से आए। कहता कैसे? कहता सर दिल्ली की शादियों में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देखो, ये वो मूवी नहीं थी, वो आज के युवाओं को एक संदेश था, पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद, डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है, वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो हा? अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना बुलवा दो। कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे, एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ये रटोगे ना जितना, तो चतुर्लिंगम वाला हाल हो जाएगा। अगर तुम रटे तो वो पूछता ना टीचर, व्हाट इज मशीन, रांचो खड़ा होता है, रश मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। कहता मतलब? कहता सर फैन, स्विच बन गए। कहता सर चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। टीचर को बड़ा बुरा लगता है कि यार एग्जामिनेशन में यही लिखोगे अप एंड डाउन, समझ में आ गया तो लिखेंगे नहीं, वो तो तुम्हें समझा रहे आसान भाषा में। वो कहता नहीं टीचर, इरिटेशन में, कि आसान भाषा में बाहर चले जाइए। चतुर्लिंगम क्या करता है? रटी हुई डेफिनेशन बता रहा है। कितना टीचर खुश हो रहा है। जब तुम रटते हो, तनाव में रहते हो, दूसरे को हराना चाहते हो, देखो एग्जाम के टाइम क्या करता है, एग्जाम के टाइम दूसरे बच्चों के कमरों में ब्लू किताबें फेंक रहा है नीचे से, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर मैं ज्यादा नंबर पा जाऊंगा। कहता समझना, दुबे लाइब्रेरियन कहता है, कहता मैं आपको समझा देता हूं। कहता दुबे जी समझना नहीं है, जाता भाषण दे रहे, कहता ये डीन हमारे, इन्होंने बलात्कार में बलात्कार किए। रेंचो देखो स्ट्रेस फ्री आदमी, स्ट्रेस फ्री, लॉन में नहा रहा, लॉन में वो आदमी नहा रहा है। आईआईटी कैंपस के कोई लॉन में नहाएगा? डीन को देखो, डीन को खड़ा खड़ा सुन रहा है, बीच में डांट दिया कि सर, कहता ये पेन बड़ी महंगी है, स्पेस के लिए इन्वेंट की गई थी। कहता सर पेंसिल लेके क्यों नहीं गए? डीन का दिमाग खराब हो गया, टॉप करता है, टॉप। डीन भी परेशान, चतुर्लिंगम भी परेशान, राजू और फरहान सबसे पीछे बैठे। डीन कहता है इनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहता मिलेगी सर, कैसी बातें कर रहे हो, अटिया गए। डीन कहता अगर इनको नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुंह से छिला दूंगा। कहता ठीक है सर, दोनों को मिल जाती। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है, डीन से। डीन कहता है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये पास ही नहीं हूं। टीचर किससे लड़ रहा है? अपने स्टूडेंट से। और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है? डीन की बिटिया है। वो लाके चाबी दे रहे कि पेपर निकाल ले। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है दुनिया में, ये कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है, मिर्जापुर वाले, वो कुछ कलाएं जानता है, उसमें से एक कला ये है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। उसकी एमिनेशन फैक्ट्री चल जाती है। सीएम को फोन करके कहता कि आप कह दो सरकार ने किया है, आपकी पार्टी का नाम बढ़ेगा। देखो मुन्ना नाराज है, मुन्ना दुखी है, वो दुखी नहीं है, वो अपने समधी को फोन कर रहा है, बाबूजी आप फायदा उठा लो, मेरा तो नुकसान, तुम्हारा फायदा, और तुम्हारे फायदे में मैं अपना फायदा निकाल लूंगा।
अफीम का ठेका ले लूंगा। देखो खेल। इकरा आईएएस बाय ओझा सर अपने कानपुर में लेकर आ गए हैं दिल्ली के टॉप फैकल्टीज, जिनकी हेल्प से ना सिर्फ यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होगी बल्कि बेहतर गाइडेंस भी मिलेगी। इकरा आईएएस कानपुर में दिल्ली के कौन कौन से टॉप फैकल्टीज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए है वन एंड ओनली ओझा सर, इकोनॉमिक्स के लिए एसके झा सर, इंडियन पॉलिटी के लिए संजय सर एंड ज्योग्राफी के लिए रब्बानी सर। तो ज्वाइन कीजिए एनसीईआरटी एंड जीएस प्री का मेंस बैच। आइए इकरा आईएएस बाय ओझा सर, नियर नौ नंबर क्रॉसिंग, शारदा नगर, अपने कानपुर शहर में यार।